तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर के आया हूँ। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या नर्सिंग से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स मैं लेकर के आता रहता हूँ। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बोन्स। दैट मीन्स आज हम पढ़ने वाले हैं कि हड्डियां किस किस प्रकार की होती हैं। जनरली आज हम स्ट्रक्चर के आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, यदि आपको अपना जीवन सुखमय, अपना जीवन आसान बनाना है, लग्जरियस लाइफ यदि आपको जीनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहां से आएगा बेटा? जब आपके अंदर क्वालिटी होगी। और क्वालिटी कहां से आएगी? जब आपके अंदर नॉलेज होगी। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप किसी भी चीज को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। वैसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बोन्स के बारे में। बोन्स क्या है? बोन्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन अवर बॉडी। इस बात को बेटा अंडरलाइन कर लीजिए। बोन क्या है? हमारे शरीर का सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? जो कनेक्शन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं बेटा? कनेक्शन में हेल्प करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमारे शरीर में हर जगह बोन होती है। और टोटल कितनी होती है? 206। हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। पूरा का पूरा शरीर, पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम 206 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए बोला कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हर पार्ट को ये आपस में बेटा कनेक्ट करके रखता है। साथ में बोन का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। तो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हार्ट हो, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम, उन सबको बचाव करने का काम ये बोन्स का होता है। इसीलिए बोन्स वेरी 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 स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनका मेन काम होता है कनेक्शन करना। इनका मेन काम क्या है बेटा? कनेक्शन करना, जो कि हमारे बॉडी के हर पार्ट को या हर स्ट्रक्चर को आपस में बेटा कनेक्ट करके रखती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनसे ये मोस्टली बनी हुई होती है। बोन्स बनती है बेटा, नंबर एक सबसे पहले वाटर। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूंट क्या है इसमें? वाटर है, जो कि लगभग 25% होता है। कितना? 25% वाटर होगा इसमें। अब नेक्स्ट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, तो 25% ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट और बोन सेल्स इसके अंदर होती है। अब ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब हो गया सीधा सीधा कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सारी जो चीजें हैं, यानी मिनरल्स जितने भी होते हैं, वे सभी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट में आते हैं, जो कि 25% ये लगभग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके अलावा इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी इसके अंदर होते हैं, जिसमें मेनली कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह आते हैं, ठीक है, जो कि 50% लगभग, कितने 50% लगभग ये जो बोन्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जिसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बोन्स की बात करें, तो बोन्स की जो स्टडी होती है उसको हम ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बोन्स। अब स्टडी ऑफ बोन्स की बात करें तो देखिए, इसमें दो वर्ड हैं, एक ऑस्टियो, एक लॉजी। तो ऑस्टियो वर्ड ऑस्टियोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बोन्स। ऑस्टियोन मीन्स बोन्स। और लोगस वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम? स्टडी के लिए। लोगस वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? स्टडी के लिए। तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ बोन्स। ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ बोन्स। क्लियर है? क्लियर है। चलिए उसके बाद में अब हम बात करेंगे जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जो है टाइप्स ऑफ बोन। बोन की अगर हम बात करें तो बोन्स को अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बोन्स को बेटा 5 टाइप्स में अलग अलग डिवाइड किया गया है। नंबर 1 लॉन्ग बोन, नंबर 2 शॉर्ट बोन्स, नंबर 3 फ्लैट बोन्स, नंबर 4 सीजमॉइड बोन और नंबर 5 इररेगुलर बोन। दोबारा से देखिए, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, सीजमॉइड बोन, इररेगुलर बोन। एक एक करके इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स क्या है? देखिए, लॉन्ग बोन्स को लॉन्ग बोन्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आकृति में, ये शेप में बेटा लंबी होती है, लॉन्ग होती है। इसमें होता क्या क्या है? इसमें एक शाफ्ट होती है, दो इसमें एक्सट्रीमिटीज होती है।
याद रखिएगा शाफ्ट का मतलब कौन सा हो गया, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जो मिडिल वाला पोर्शन होता है बोन के अंदर, इसको हम बेटा बोलते हैं शाफ्ट। ये जो शाफ्ट वाला पोर्शन है बहुत ही लॉन्ग होता है, लंबा होता है, इसीलिए इन बोन्स को हम लॉन्ग बोन के नाम से जानते हैं। दूसरा करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, दीज बोन्स आर लॉन्ग एंड वाइड इन कंपेरिजन ऑफ अदर बोन। हमारे शरीर की 200 हड्डियों में से लॉन्ग बोन उन्हीं को बोला जाएगा जो कि वाइड होंगी, लंबाई में लंबी होंगी, चौड़ाई में चौड़ी होंगी, उन्हीं को बोला जाता है लॉन्ग बोन्स। ठीक है, लॉन्ग बोन्स मतलब जिनकी लंबाई ज्यादा है, जिनकी चौड़ाई ज्यादा है। जैसे कि उदाहरण के लिए फीमर, फीमर जो बोन है बेटा कहाँ पाई जाती है, ये थाई में पाई जाती है। टिबिया ये लेग की बोन है, और फिबुला ये भी बेटा लेग की बोन है। ठीक है, ये सब लॉन्ग में आती है। इसके अलावा ह्यूमरस जो हमारे आर्म की बोन है, उसके अलावा फोर आर्म की बोन, रेडियस अल्ना, ये सब लॉन्ग बोन के एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। ठीक है, और दीज बोन्स हैव स्लाइट कर्व। अगली करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, लॉन्ग बोन को लॉन्ग और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा कर्व होता है। आप गौर से देखिए तो यहाँ पर एक आपको कर्व महसूस हो रहा होगा, इस जगह आपको एक कर्व महसूस हो रहा होगा, है ना। दीज बोन्स आर मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन्स एंड सम पोर्शन इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी बोन। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो बोन्स है वो दो पार्ट से मिलकर के बनी हुई है, एक तो है बेटा कॉम्पैक्ट और एक है स्पॉन्जी। अब कॉम्पैक्ट में क्या आ गया, कॉम्पैक्ट में आ गया इसकी जो इसकी आउटर लेयर है, कॉम्पैक्ट में क्या आ गया, इसकी जो आउटर लेयर है वो कॉम्पैक्ट में आ गई, क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है बेटा, हार्ड होती है। ठीक है, जो इसकी आउटर लेयर होती है बोन्स की वो हार्ड होती है, इसलिए इसको रखा गया इसमें कॉम्पैक्ट में। और जो स्पॉन्जी पार्ट है वो है बेटा बोन मैरो। वो क्या है, बोन मैरो। जो बोन मैरो होता है वो स्पॉन्जी होता है ना, स्पॉन्जी पार्ट है जो कि इंटरनली पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इंटरनली पाया जाता है। ठीक है, ये जो बोन मैरो है इसको हम ब्लड फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ब्लड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड का या ब्लड की सेल्स का फॉर्मेशन, यानी ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है बेटा, बोन मैरो के अंदर। कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, और ये जो स्पॉन्जी पार्ट है वही कंसिस्ट करता है जो कि इंटरनली स्ट्रक्चर है। ये क्या है बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड शॉर्ट बोन्स की। देखिए शॉर्ट बोन्स कौन सी होती है, नाम से क्लियर हो रहा है, शॉर्ट माने छोटी, तो आकृति में, आकार में, शेप में छोटी होती है। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दीज बोन्स डू नॉट हैव शाफ्ट और एंड्स। याद रखिएगा, इन बोन में शाफ्ट नहीं होती, इन बोन में क्या नहीं होता बेटा, शाफ्ट नहीं होती। जैसे कि कार्पल्स कहाँ होती हैं, ये रिस्ट में, कलाई में, साइड में, डायग्राम में आप देख सकते हैं। और एंकल जो होती है वो टार्सल्स बोन होती है भाई, एंकल के अंदर होती है टार्सल्स, और रिस्ट में होती है बेटा कार्पल्स। तो सामने जो आपको बोन दिख रही है ये क्या है, कार्पल्स। देखिए जो कार्पल्स होती है ना, वो टोटल होती है 8 बोन। कितनी होती है बेटा, 8 बोन होती है। 8 बोन कैसे हैं, तो देखिए ये दो रो में पाई जाती है, एक प्रॉक्सिमल रो में और एक होती है बेटा डिस्टल रो में। ठीक है, डिस्टल रो में। अब ये प्रॉक्सिमल डिस्टल का क्या चक्कर है यहाँ पर, तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहले, मींस ट्रंक के पास, जो स्ट्रक्चर ट्रंक के पास हो उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, और जो ट्रंक से दूर हो उसे हम डिस्टल कहते हैं। अब सोच रहे होंगे सर ये ट्रंक क्या आ गया, तो ट्रंक का मतलब हो गया थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, दोनों को मिलाकर के बोला जाता है बेटा ट्रंक। याद रखिएगा ट्रंक क्या है, ट्रंक का मतलब हो गया थोरेसिक प्लस एब्डोमिनल, दोनों की दोनों जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, दोनों को मिलाकर के बेटा क्या बोला जाता है, ट्रंक। तो जो ट्रंक के नजदीक हो उसे हम प्रॉक्सिमल, और जो दूर रहेगा उसको हम बोलेंगे डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन सी बोन आती है, स्कैफोल्ड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल और फिजिफॉर्म। आगे मैं पढ़ाऊंगा लेकिन अभी ओरली बता दे रहा हूँ, स्कैफोल्ड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल और फिजिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है स्कैफोल्ड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल और फिजिफॉर्म। ऐसे ही डिस्टल रो में कौन सी आती है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। ठीक है बेटा, तो ये दोनों की दोनों जो रो हो गई, ये हो गई बेटा, ये हो गई प्रॉक्सिमल रो और ये हो गई डिस्टल रो। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों रो के अंदर, यानी ये रिस्ट का डायग्राम है, किसका डायग्राम है, रिस्ट का, यानी कार्पल्स का डायग्राम। ठीक है, और दूसरी करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बेटा, इनकी क्यूब से भी एग्जाम में पूछ लेते हैं बेटा, तो क्यूब शेप की होती है। किस शेप की होती है, क्यूब शेप की होती है। इनकी जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो लगभग इक्वल होती है, इनकी जो लेंथ और ब्रेथ होती है बेटा वो लगभग इक्वल होती है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसलिए इनको शॉर्ट बोन बोलते हैं। एंड दे आर मेनली स्पॉन्जी विद कॉम्पैक्ट बोन एंड इन ए फ्यू पार्ट्स एज वेल, यानी इसमें कॉम्पैक्ट पार्ट भी होता है और स्पॉन्जी पार्ट होता है मेनली, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्जी पार्ट। ठीक है बेटा, क्लियर है, चलिए उसके बाद में अब बात करते हैं अगला टाइप है इसका, फ्लैट बोन। फ्लैट मींस क्या होता है, चपटा, फ्लैट बिल्कुल।
तो फ्लैट बोन्स कौन सी होती है? देखिए फ्लैट बोन्स की करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें दो लेयर होती है बेटा, डेंस बोन टिश्यू की, डबल लेयर होती है इसकी में डेंस बोन टिश्यू की, ठीक है, जिसमें टिश्यू में स्ट्रक्चर सॉरी सेल्स पास पास में, उसे हम डेंस टिश्यू कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए स्टर्नम, रिब्स और मोस्ट ऑफ द स्कल बोन्स और स्कैपुला, ये सभी जो बोन्स के मैंने एग्जांपल बताए, स्टर्नम, रिब, मोस्ट ऑफ द स्कल बोन्स और स्कैपुला, ये सभी क्या है बेटा, ये सभी क्या है, फ्लैट बोन्स है, ठीक है। एक डायग्राम आपको सामने देखो दिख भी रहा होगा, ये क्या है, ये काय का डायग्राम है, ये डायग्राम है बेटा किसका, स्टर्नम का, ये काय का डायग्राम है, स्टर्नम का डायग्राम, ठीक है, जो कि हमारे सामने की तरफ चेस्ट में या थोरेसिक में बेटा सामने की तरफ होता है, इसीलिए मेल के अंदर जो स्टर्नम है, जो स्टर्नम है इसको बेटा मेल के अंदर तो बोला जाता है चेस्ट बोन, और फीमेल के अंदर बोला जाता है, फीमेल के अंदर बोला जाता है ब्रेस्ट बोन, ठीक है, ब्रेस्ट बोन याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन आ गया। ये जो बोन्स होती है बेटा वो थिन होती है, कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, और दीज बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्टिव एंड हेल्प इन मस्कुलर अटैचमेंट। देखिए आप गौर से देखिए, जो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है ये स्टर्नम है, स्टर्नम हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रही है, साथ ही साथ इंटरकोस्टल मसल वगैरह ये सब इससे अटैच होती है। तो यहाँ पे ये बात सिद्ध हो गई कि फ्लैट बोन में स्टर्नम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये वो बोन होती है जो प्रोटेक्शन भी देती है और मस्कुलर अटैचमेंट भी देती है। तो स्टर्नम दोनों ही काम कर रही है, ठीक है, और स्टर्नम के जो पार्ट्स हैं बेटा, देखो सबसे पहला जो सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेटा सबसे पहला पार्ट, याद रखना जो स्टर्नम है उसको तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। सबसे पहले नीचे से ऊपर चलेंगे, है ना, तो नीचे की बात करें तो ज़िगोट प्रोसेस कौन सा पार्ट होता है, ज़िगोट प्रोसेस बॉडी, ठीक है। अगला पार्ट कौन सा है बेटा, बॉडी पार्ट है, अगला पार्ट कौन सा है, बॉडी पार्ट जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है, और मेनिब्रियम, तीन पार्ट है, मेनिब्रियम, बॉडी और ज़िगोट प्रोसेस, मेनिब्रियम, बॉडी और ज़िगोट प्रोसेस, ये तीनों के तीनों पार्ट होते हैं बेटा किसके, स्टर्नम के होते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सीज़मोइड बोन, अगला टाइप है बेटा सीज़मोइड बोन। ये जो सीज़मोइड बोन होती है वो सीड शेप की होती है, मतलब बहुत ही छोटी होती है, और लगभग एक बीज क्या करती है, एक छोटी बोन होती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए पटेला नी कैप, पटेला को हम नी कैप कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बेटा आपके लिए आ सकता है। और पटेला जो बोन होती है वो हमारे नी जॉइंट के जस्ट सामने की तरफ ये प्रेजेंट होती है, और ये जो बोन्स होती है साइज में शेप में स्मॉल होती है, छोटी होती है। सामने आप देख सकते हो ये जो डायग्राम है बेटा किसके हैं, पटेला के हैं, ठीक है। पटेला बिल्कुल कैसी है, सीड शेप बोन होती है, सीज़मोइड बोन होती है, और इररेगुलर शेप की होती है, याद रखिएगा, है ना, इररेगुलर होती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद अगली है इररेगुलर। देखिए इररेगुलर की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर इररेगुलर है, वो प्रॉपर नहीं थी लेकिन ये प्रॉपर इररेगुलर है, क्यों, क्योंकि देयर इज नो डेफिनेट शेप ऑफ दीज बोन, जिन बोन्स की बेटा शेप फिक्स नहीं होती, जिन बोन की प्रॉपर शेप फिक्स नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं इररेगुलर बोन्स। जैसे कि वर्टिब्रा, वर्टिब्रा मतलब जो कि बैक बोन बनाती है, पूरी की पूरी जो बैक बोन है बेटा वो किससे बनी हुई है, वर्टिब्रा से, किससे बनी हुई है, वर्टिब्रा से बनी हुई है, और ये मोस्टली स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट दोनों तरह के इसके अंदर टिश्यू होते हैं, ठीक है। सामने जो आप डायग्राम देख रहे हो काय का है, सिंगल वर्टिब्रा का डायग्राम है, और बराबर में जो आप देख रहे हो ग्रुप ऑफ वर्टिब्रा, मतलब सीधा सीधा क्या बन गया, ग्रुप ऑफ वर्टिब्रा से मिलकर के बैकबोन, ठीक है, बैकबोन बन गया बेटा, है ना। तो जो बैकबोन बनाने वाली जो हड्डियां हैं छोटी छोटी उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रा, जिनको हम इररेगुलर बोन्स बोलते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर कोई भी शेप नहीं होती, ठीक है, सब अलग अलग शेप की होती है। उसके बाद में अब बात करते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ बोन्स की। तो हमने शेप के अकॉर्डिंग, काय के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे फंक्शन की। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन बोन्स का क्या है, दे प्रोवाइड शेप एंड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, मतलब हमारे शरीर को एक प्रॉपर शेप देना, बॉडी को फ्रेमवर्क बनाना, ये बोन्स का काम। दूसरा, दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स, यानी जो भी मांसपेशियां हैं, टेंडन्स हैं, मत ना, उन सबको अटैच करने का काम, अटैचमेंट का काम, ये भी बोन्स का होता है। अगला, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, बिल्कुल सही बात है बेटा, मूवमेंट कराने में, बॉडी को मूवमेंट कराने में ये बोन्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यदि बोन नहीं होगी तो मसल मूवमेंट नहीं करा पाएंगे, मसल और बोन ये दोनों मिलकर के ही बॉडी को मूव कराने में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट रेड बोन मैरो इज फाउंड इन द बोन्स विच सीक्रेट ब्लड सेल। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी अभी आपको बताया भी था कि बोन्स के अंदर होता है रेड बोन मैरो। बोन के अंदर क्या होता है बेटा? बोन मैरो, जिसको हम रेड बोन मैरो भी बोलते हैं, जो कि ब्लड सेल्स सीक्रेट करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उन सबको बनाने का काम भी ये बोन्स करती है, याद रखिएगा। अगला, बोन्स आर स्टोर मिनरल्स, यानी जितने भी मिनरल्स हैं उन सबको स्टोर करने का काम भी किसका होता है? बोन्स का होता है, ठीक है। अगला, बोन्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी यानी बॉडी की जो कैविटीज है बेटा, उनको बनाने में हेल्प करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो इंटरनल ऑर्गन है, जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट हुआ, लंग्स हुए, ठीक है, हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, है ना, ब्रेन हुआ, इन सबको बेटा क्या करने का काम? प्रोटेक्ट करने का काम, इन सब के बचाव का काम ये हमारी हड्डियां करती है। क्लियर हो गया? आज हमने किसके बारे में पढ़ा? टाइप्स ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू शेप, यानी हड्डियों के प्रकार पढ़े हमने शेप के अकॉर्डिंग। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, यदि आपको सारी चीजें समझ में आई हो, क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो सच में तैयारी बेटा कर रहे हैं, जो सच में मेहनत करना चाह रहे हैं, उन सबके साथ मिनी अटेम्प्ट है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ में इस लेक्चर को बेटा शेयर करिए। यदि कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट करिए, उसका जवाब मैं आपको 100% दे। इसी तरह से बेटा मिनी अटेम्प्ट के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।